मैंने ना एक दो रील बनाए इंस्टाग्राम पे और मैंने ब्लैक नेल पेंट लगाई। मैंने ब्लैक नेल पेंट लगाना बहुत दिनों से छोड़ दिया था, बहुत दिनों से। लेकिन कभी कभी मन करता है, जो चीजें अच्छी लगती तो मैंने लगा लिए, बस खुशी के लिए लगाई, उसके अलावा कुछ नहीं। बाल बांध लिए मैंने, मेरे बाल सूख गया, संडे था तो मैंने अच्छे से बाल धोया था। मेरे बाल जल्दी सूखते नहीं, मुझे धूप में जाना पड़ता है। मैंने बाल सुखा लिए, चाय हो गया, नाश्ता हो गया, मतलब चाय बिस्किट खा ले तो नाश्ता ही हो गया। अभी नीचे चलते, खाना बनाने का टाइम भी हो जाएगा थोड़ी देर में, तो खाना बनाऊंगी मैं। नीचे आई और मुझे अनार खाने का मन कर, तो मुझे फल फल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कोई भी फल बोल लो, फल खाना मुझे अच्छा लगता है। तभी मैं अनार खा रही, थोड़ा अच्छा भी होता है यार। इसका पागलपन देख रहे हो आप लोग, ये देखो, ए पागल, उतर खाली उतर, काय रे काय, मैं उद्योग करतो रे बाय, हे काय होता, असा नहीं रहते, नीट करावा लागतो। मेरे गार्डन में आज कुछ फूल थे, एक इधर है एक इधर है, और ये सफेद दिख रहा है। मम्मी मेरी पूजा कर रही, मम्मी को दे रही मैं अब। दोपहर का टाइम हो गया और खाना खाने का टाइम, तो आज स्पेशल बना है खिचड़ी, जो हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। और खिचड़ी के साथ ना मुझे ये वाले कुरकुरे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत मस्त लगता है यार। आपको बोला था मैंने कि हम लोग जाने वाले, वो बाबा के यहाँ जो बाटली में उन्होंने ऐसा रखा है, मैंने देखा नहीं, तो मैं देखने जा रही हूँ। शायद मैं वहां पे ज्यादा शूटिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसी जगह पे शूटिंग करना कुछ बुरी जगह नहीं, अच्छी है, मतलब सबका वहां पे विश्वास है, वो इसलिए सब जाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा लोग बैठे रहेंगे तो मैं शूटिंग करूंगी तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोशिश तो मैं जरूर करूंगी। तो आज चलो चलते, देखते क्या है क्या नहीं है। आखिर में मुझे भी अजीब अजीब और मुझे भी खुशी हो रही देखने के लिए, क्योंकि बहुत जगह मैं जा चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे बस मैंने देखा है कि भगवान जी का मूर्ति वगैरह होता है, फिर वहाँ पे सिर्फ पूजा वगैरह होता है, या फिर धागा होगा बांध देते हाथों में रक्षा के लिए। लेकिन ये मुझे बोल रही थी कि ऐसी बाटली उटली रखी है वहाँ पे जिसमें भूत वूत उतारी रहती है, तो वो तो देखना बनता है यार। तो चलो चलते दोस्तों, तो आज दूसरा दिन है, बात ऐसी होगी कि कल का प्लान कैंसिल हो चुका था, तो आज दूसरा दिन है, तो आज फिक्स कर लिया, अभी हम लोग जा ही रहे, तो चलो चलते। हमारी गाड़ी यहाँ पे लगा दी, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता गली वाला है, तो गाड़ी नहीं जाएगी। आणि आपल्याला कशी म्हणती बर त्या तुम्ही तोंडा दिलं ना म्हणते, अशी लोक सगळं करताना नाही म्हणता म्हणता, काही रिकामे घाबरायची नाटक दाखवता म्हणते। जान दे अब ज्यादा मत बोल। ऋषि आप लोगों ने देखा कि मैंने ज्यादा शूट नहीं किया, मैंने वैसे वो मुझे बोल रहे थे कि आप शूट कर सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ही मन नहीं माना कि ज्यादा शूट करूं। मैं जितना कर पाई मेरे कोशिश से उतना मैंने कोशिश किया। अभी हम लोग निकल रहे हैं, मतलब यहाँ पीछे जो है छोटा सा कॉलोनी टाइप का, जैसे मराठी में साड़ी बोलते हैं, चौल जो होता है उस टाइप का है, छोटा सा है। यहाँ पे पीछे दिख रहा है आप लोगों को, बहुत सुकून था, बहुत शांति था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, मतलब सुकून मिलता है वहाँ पे जाके, कोई ऐसा बुरी चीजें नहीं थी, बस शांति, इंसान की शांति हो बस ऐसा।
बहुत अच्छा लगा मुझे आने के बाद। अभी हम लोग थोड़ा बाजार जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, मतलब सोमवार के दिन स्पेशल कपड़े का दुकान लगता है। स्पेशल सोमवार के दिन का रहता है ये, बहुत ज्यादा है। फाइनली घर पे आ चुके हम लोग। मम्मी ने बस सब्जियां वगैरह ली, दूसरा कुछ नहीं लिया मम्मी ने। और मैंने ना ये झुमके लिए, अच्छे लग रहे ना, मुझे बताना जरूर। दिख नहीं रहे क्या? एक सेकंड। हाँ आप दिखेंगे आपको अच्छे से, है ना, मस्त है ना, सच बताना। और एक गुल्लक लिया मैंने, मालूम नहीं कब इसमें बोनी करूंगी, इसमें डालूंगी, लेकिन ले लिया मैंने। और मैंने ना एक चोकर लिया। मैं ना ज्वेलरी हमेशा लेती रहती हूँ, आपको कैसे दिखाऊँ मैं, दिखेगा नहीं दिखेगा ना, रुके दो मिनट। तो मैंने एक चोकर लिया है, कैसा लग रहा है वो, तो मतलब इस ड्रेस पे नहीं अगर कुछ पहनो तो अच्छा लगेगा, है ना। मुझे अच्छा लगता है यार ज्वेलरी खरीदना वगैरह, मस्त लगता है ना। रख देती हूँ इसको अच्छे से। ये लिया, ये अलग है और ये चोकर अलग है। ये सिंगल चोकर था और ये झुमके थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मुझे झुमकों का कलेक्शन बहुत पसंद है, झुमके नहीं इयर रिंग्स, झुमके तो अलग होते ना गोल वाले, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए। मुझे ना एकदम ठंडी लग गई, बुखार भी आ गया मुझे तो, लेकिन भूख लगी तो अभी मम्मी ने बनाई अंडा भुर्जी, तो मैं जा रही हूँ अंडा भुर्जी खाने। यम्पी भुर्जी, नींबू पाव गरम कर। बाजार में जब गए थे तो मम्मी के फोन का ये कवर लिया था हम लोगों ने, इसको अलग चाहिए था लेकिन यही एक बचा था तो हमने ले लिया था। और मैं सो भी गई थी तो भी रात के कम से कम 11 बज रहे, तब मैं जागी हूँ, फिर मैंने खाना खाया। तो ये मोबाइल का कवर बताना कैसा है। तो बस आज का ब्लॉग यही पे एंड करते, कल का और आज का एक ही ब्लॉग कंबाइन हो गया था मेरा। चल निकल निकल मेरी जिंदगी से, फिर जैसे मेरे बहुत आए बहुत गए। तो चलो दोस्तों यही पे मेरा ब्लॉग एंड करते, उम्मीद करते आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।